कक्षा में अध्ययन करके आप 10वीं कक्षा के बोर्ड के कक्षा में आ गए हैं। 10वीं कक्षा को अपने सेकेंडरी और माध्यमिक कक्षा भी कह सकते हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत अपने एक पुस्तक निर्धारित कर रखी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, जिसका नाम है क्षितिज। यह एक पुस्तक है, वो पूरी आपके 10वीं कक्षा के अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत चलेगी। 20 अंकों का सत्रांक रहेगा और 80 अंकों का अपना प्रश्न पत्र आएगा। उसका विभाजन है वो आज अपने देखेंगे। पहला प्रश्न आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश का आएगा, दोनों चार चार अंक के आएंगे और इनको बहुत ही आसानी से अपने को हल करना है। इसके बाद के अंतर्गत जो अगला प्रश्न है आपका निबंध, इसके अंतर्गत 5 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और बाद में 4 कर दिए हैं। 4 निबंधों में से आपको एक अच्छा निबंध जिस पर आपकी पकड़ हो उस निबंध का चयन करना होता है और उस पर आपको लिखना होता है। इसी तरह से प्रार्थना पत्र और पत्र दोनों विकल्प आएंगे, दोनों में से जिसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं उसी का चयन करेंगे और वह आपका आएगा 4 अंक का। व्यवहारिक व्याकरण का भी उल्लेख अपने पाठ्यक्रम में रहेगा, तो कारक से संबंधित 1 अंक का प्रश्न है, काल वाच्य लोगोक्ति ये भी 1-1 अंक के आपको पूछे जाएंगे। इसके पश्चात व्याकरण का पक्ष आगे बढ़ता है, क्रिया समास वाक्य शुद्धि तथा मुहावरे ये भी आपके 2-2 अंक के आएंगे और कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके अंदर। इसके पश्चात आपकी पाठ्य पुस्तक है वो अधिक अंकों की है, 48 अंक इस पुस्तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश जो आप पीछे से हल करते हैं 8 अंकों का हो गया, रचना जिसके अंतर्गत निबंध और प्रार्थना पत्र तथा पत्र का उल्लेख है वह आपके 12 अंक की हो गई, और व्यवहारिक व्याकरण है विद्यार्थियों वह भी आपकी 12 अंकों की हो गई। फिर आपकी 48 अंकों की पुस्तक है। इस तरह से ये सारे मिला करके आप योग करते हैं तो 80 अंकों की सारा अपना प्रश्न पत्र होता है। पाठ्य पुस्तक में से 48 अंकों का क्या क्या विभाजन है उस पर भी अपने चर्चा करते हैं। सह प्रसंग व्याख्या आपको गद्य में से भी पूछी जाएगी, पद्य में से भी पूछी जाएगी। सह प्रसंग का होता है विद्यार्थियों प्रसंग सहित, प्रसंग में अपने को किस पाठ से व्याख्या की पंक्तियां ली गई है और इसके रचनाकार कौन है। इसी तरह से पद्य के अंतर्गत व्याख्या के लिए ये पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है, इसके रचयिता कवि और कवित्री कौन है, ये सारा प्रसंग के अंतर्गत लिखा जाएगा। फिर आपको करनी है उसकी व्याख्या। व्याख्या में विद्यार्थियों जो पद्यांश है उसके अंतर्गत तो आपको हिंदी अर्थ करना होगा, गद्यांश है उसके अंतर्गत जो आपको 10 या 12 पंक्तियां दी गई है उनको अपने शब्दों के अंदर बना करके लिखना होता है। ये दोनों गद्य और पद्य की मिला करके 6-6 अंक की आएगी, कुल अंक 12 हो गए आपके।
यानी संप्रसंग व्याख्या है वो 12 अंकों की आएगी। इसी के अंतर्गत अपने प्रश्नोत्तर की तरफ चलेंगे। प्रश्नोत्तरों का क्रम रहता है लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक और अंत में निबंधात्मक। तो विद्यार्थियों निबंधात्मक प्रश्न है वो दो पूछे जाएंगे विकल्प सहित, यानी दो प्रश्न कितने के आएंगे निबंधात्मक, उनमें से जो आपको अच्छे से आता है उसका चयन करना एक ही। इसी तरह से पद्य भाग में से भी निबंधात्मक दो प्रश्न दिए होंगे विकल्प सहित, परंतु करना आपको एक ही है। यानी गद्य और पद्य से निबंधात्मक प्रश्न एक एक का चयन करते हुए आपको उसके उत्तर देने हैं। 6-6 अंक का एक एक प्रश्न रहने वाला है, कुल अंक हो जाएंगे आपके 12। यानी निबंधात्मक प्रश्नों का अंक भार है वो 12 अंकों का रहने वाला है। इसके पश्चात लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, वो भी आपके गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर के आएंगे 6 प्रश्न, और उनका अंक भार रहने वाला है 2-2 अंक। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को अंक भी 12 अंक रहेगा, यानी 6 गद्य से और 6 पद्य से। इसी प्रकार से अंतिम चरण है वो आपका आएगा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है उनमें विकल्प नहीं रहेगा विद्यार्थियों, और वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 गद्य भाग से और 2 पद्य भाग से, और ये आपके 1.5-1.5 अंक के पूछे जाएंगे जो 6.5 अंकों के होंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का अंक भार 6 रहने वाला है, 1.5-1.5 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम जो 6 अंकों का प्रश्न है वह आपके गद्य और पद्य में से कवि हो सकते हैं, लेखक परिचय हो सकता है, रचनाकार परिचय हो सकता है, वो 6 अंकों का पूछा जाएगा। यदि हम यहाँ से अपठित बोध से लेकर के और लेखक परिचय तक अंकों का योग करते हैं तो कुल अंक विद्यार्थियों 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र का यह है विवरण बैठता है। यदि हम ठीक प्रकार से इस अंग विभाजन को समझते हुए तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विशेष योग्यता वाले अंक तो आएंगे, उससे अधिक अंक भी आएंगे। इसमें कोई